हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच रहा है और इसके साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव मैदान का रुख कर लिया है। बीजेपी की वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें, स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा और पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान भी चुनावी रैलियों में एक साथ अब शिरकत कर रहे हैं। बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने वीडी शर्मा और नंद कुमार चौहान से बातचीत की, सुनिए। जब आप चुनाव प्रचार पे निकलते हैं तो आपको कई दिलचस्प नजारे दिखते हैं, कई दिलचस्प जोड़ियां दिखती हैं और इस वक्त एक जोड़ी हमारे साथ जो हेलीकॉप्टर में है वो है नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद हैं और बीडी शर्मा जी के साथ हम सुबह से हैं ही। तो आप ये देखेंगे कि एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बीच में बेहतर सामंजस्य और तालमेल है। सबसे पहले मैं नंद कुमार सिंह चौहान जी से बात करूंगा। नंद भैया, आप यहाँ के सांसद हैं, सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति आपको दिख रही है इन दोनों सीटों की? देखिए, नेपानगर विधानसभा और मांधाता विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में पूरा संगठन मैदानी स्तर पर काम में लग चुका है और एक एक कार्यकर्ता सिपाही की तरह अपने अपने बूथ पर डट चुका है। तो अब शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा काजदेकर नेपानगर से और मांधाता से श्री नारायण पटेल को जिताने का जनता ने भी मन बना लिया है। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश बीजेपी के, तो अभी बीड़ी भाई साहब से क्या आपकी चर्चा होती रहती है? उनको एक तरह से सलाह आपका देना, एक पूर्व अध्यक्ष होने के नाते सलाह भी समय समय पे देते हैं। बीड़ी भाई साहब बरसों से संगठन का काम करते रहे, संगठन शास्त्र के वो ज्ञाता है और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मेरे साथ प्रदेश महामंत्री के रूप में भी उन्होंने कुशलता से काम किया। जहाँ भी आवश्यकता होती है मैं निसंकोच अपनी राय बीडी भाई साहब को देता हूँ, संगठन को देता हूँ और उसमें जो उचित होता है निर्णय आखिरी प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक कुशल संगठक के रूप में रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का कार्यकाल भी आपका देखा जाए तो समय समय पर नंद कुमार सिंह चौहान जी से आपको राय लेते रहते होंगे और खास तौर से इन सीटों पर जहां चुनाव है तो जो उनका फीडबैक मिलता होगा बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं माननीय नंदू भैया जी के साथ प्रदेश का महामंत्री रहा, वो अध्यक्ष रहे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है काम के मामले में। बाकी सारे निर्णय जितने भी उस समय भी मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तब भी नंदू भैया से मैं काफ़ी मिलना जुलना मेरा होता रहता था, तो मैंने अपने जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद भी आदरणीय नंदू भैया से बहुत कुछ सीखा है। निर्माण के क्षेत्र में नंदू भैया का आज का नहीं वर्षों का अनुभव है, वो 6 बार से सांसद हैं और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो आम जनता के लिए गरीबों के लिए खड़े होने वाले, तो संगठन के आज की आवश्यकता के अनुरूप यहाँ नंदू भैया जी देखते हैं और उनसे हम समय समय पर बात करते हुए इस क्षेत्र के बारे में और चुनाव तो पूरा वो संभाल ही रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी संगठन इसमें बहुत बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है कि जिस छोटी विधानसभा क्षेत्र में आप गए हैं, छोटे से गांव में गए हैं, तो उस गांव के लिए क्या जरूरी है उस पर फोकस करके भाषण देना ये बीजेपी नेताओं की बहुत बेहतर कला है। कैमरा आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा।